नवोदय में इस टाइप के प्रश्न भी आ जाते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे और इसकी तो देखो इसकी इससे करेंगे तो एक्स इंटू एक्स बराबर बराबर लगे इसकी इससे करेंगे 25 इंटू 196 ये है। अभी हमने बताया एक पावर इसकी है, एक पावर इसकी है, एक्स की पावर कितनी हो जाएंगी? दो बराबर 25 इंटू 196 समझ में आया? तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट में चला जाएगा। उसमें तीन थे तो यहाँ आ गए, तीन लिखे थे, इसमें नहीं लिखा जाता है। अब इनके कर लो फैक्टर, देखो फैक्टर ट्री से 25 है ये, 5 पंजे इसके समझ में आया? आया 196 के कर लो, कर लोगे? दोबारा देखो, दो नीम 18, दो 8 16, बोलो किसके समझ में आया ये? किसी के आया? अरे इसे 2 से भाग करोगे तो 98 आ जाएगा, ये नहीं आएगा? फिर इसके फैक्टर कर नहीं सकते, इसके कर सकते हैं, करो 249 सही है, फिर इसके करो कितने जाएंगे? किस किस के समझ में आई वाली बात? फैक्टर क्या है इसके? 2 2 7 7 और इसके क्या है? 5 5। तो देखो कैसे लिखेंगे यहां पर, वैसे गुणा करके करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, कर नहीं पाओगे पेपर में, ये यानी आसान मेथड बता रहा हूं। 25 की जगह रख दो 5 गुणा 5, 196 की जगह रख दो 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 लिख दिया। अभी हमने बताया क्यूब रूट में 3 3 के जोड़े बनते हैं, स्क्वायर रूट में 2 2 के जोड़े बनते हैं, इसमें 2 के बना लो 1 1 1, 7 का बन गया, 2 का बन गया, 5 का बन गया, तो x बराबर हो गया, इसमें से 5 ले लो, इसमें से 2 ले लो, 5 गुणा 2 गुणा 7 कर लो, 5 गुणी 10 10 10 7 77 कितने x की वैल्यू आ गई आंसर। थैंक यू वेरी मच।